अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोग्राम आवाम की बात आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर वर्कर जो जमाना तालिब इलमी से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही हिस्सा रहने की वजह नजरियाती तौर पर जो है वो यकीन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो बात करती है उसी पर अमल करती है और आवाम की सच्ची तर्जुमानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती है सिंध के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली शनीला खानजादा हमारे साथ मौजूद है जो गुजश्त कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और एक्टिव कारकुन है हर जगह पर हर प्रोग्राम में जो है वो नजर आती हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो की ही पार्टी है और नजरियाती तौर पर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मिशन था उसे अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं की क्यादत में जो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को तरक्की की रास्तों पर गामजन करेगी हमारे साथ मौजूद है आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ताईस फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची से लांग मार्च जो शुरू होगा और इस्लामाबाद पहुंचकर कर इख्ताम पजीर होगा उस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही है और खातिन जो है वो कितना इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेंगी हमारे साथ मौजूद है इसी हवाले से हम इनसे बातचीत करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पीपल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ बहुत पहले से है ज़माने ताल अमी से है और मोहतरमा शहीद बीबी साहिबा मेरी आइडियल रही हैं पार्टीज़ तो बहुत हैं लेकिन जिस तरह से सेक्रीफाइज पीपल पार्टी ने किए हैं इस तरह से किसी ने नहीं किए ये जिस तरीके से एक जमहूरी विज़न लेकर चल रही हैं पार्टी मैं बहुत प्रेफर करती हूँ इस चीज़ को कि ये वाकई ही अवामी पार्टी है इस इस पार्टी के कायदी ने कायद अवाम ने अवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ये वो वाद ख़ानदान हैं जिन, जिनकी शहादतें आम अवाम के लिए हुई हैं तो मैं जो है समझती हूँ कि पा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे जमहूरी पार्टी है सबसे ज़्यादा आवाम के काम आने वाली पार्टी है इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ को छोड़कर इसमें शामिल हो रहे हैं बहुत सारे लोग एम क्यू एम से आए हैं पी एस पी से आए हैं यहाँ कारकुनों की जो है वो कदर की जाती है उनके मसले मसाइल को सुना जाता है उनको समझा जाता है ख़ास करके लेडीज़ के हवाले से मैं अदी फरियाल टारपुर का जिक्र करूंगी कि वो जो है एक हम आम लेडीज़ के मसले मसाइल को हमारे लिए मश रहा हैं जिस तरह से उन्होंने असम्बली में हम लेडीज़ के हकूक के लिए बात की जिस तरह से हमारे मसले मसाइल के लिए बात की और उनको देखते हुए उनको फॉलो करते हुए और बहुत सारी मुझ जैसी पढ़ी लिखी स्टूडेंट लाइफ में भी और वै, वैसे भी हाउस वाइफ भी जोक दर जोक शामिल हो रही है पार्टी में हमारी ये शाहदा रहमानी बाजी हमारी शाहदा रहमानी साहिबा हैं इनकी कयादत में जिस तरह से लेडीज दिन ब दिन पार्टी में आ रही हैं और जिस तरह से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और लोगों के काम हो रहे हैं लोगों की बात को सुना जाता है तो मुझे फख्र है कि मैं भी जियाली हूँ ये बताइएगा कि 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की क्यादत में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी आ, आपको क्या लगता है कि इस लॉन्ग मार्च से जो अवामी मसाइल हैं खासतौर पर महंगाई बेरोजगारी ये क्या समझते हैं आपके खत्म हो जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से वफाकी हकूमत कितना प्रेशराइज होगी कितना दबाव पड़ेगा आपके कराची से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की चढ़ाई पर सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है इनकी जिस तरह की पॉलिसियां हैं इनसे मुल्क जो है इस टाइम तारीखी महंगाई पर है ये इस टाइम की तारीखी महंगाई है जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आवाम पर डाल दी है बिजली पेट्रोल आटा चीनी अद्वियात बेरोजगारी ये इतने मसाइल इनके गलत पॉलिसीज़ की वजह से हैं और ये हमारा जो लॉन्ग मार्च है ये कोई इकतदार के लिए नहीं है ये एक आम गरीब इंसान से लेकर हमारे नौजवान तबके के लिए हमारे तालब के लिए ये सब के लिए है और इसके इस लॉन्ग मार्च में सिर्फ पीपल पार्टी नहीं बहुत सारी जमातों के लोग और एक आम इंसान वो तमाम लोग हमारे साथ खुशी से खुशी से जोश से जज्बे से चल रहे हैं और हम जो हम ये चाहते हैं कि हम अब इस हुकूमत को घर भेज दें क्योंकि ये जो है इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से इंतहाई नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है ये तारीखी महंगाई जो इनके दौर में हुई आज से पहले कभी नहीं हुई इवन के आप ये देखें कि हुकूमत को इतना डर है लॉन्ग मार्च का कि अभी सिर्फ ये वीक शुरू हुआ है और इन्होंने फिर पैसे बढ़ा दिए अभी तो आप देखेंगे कि वहां जाने वालों को होटल तक नहीं मिलेंगे जितने ये लोग रुकावटें कर सकते हैं करेंगे लेकिन एक अवामी सैलाब है जो सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध से पूरे पाकिस्तान से जा रहा है और आप ये देखेंगे कि सिर्फ जियाले नहीं जियालियां लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है घर को छोड़ के निकलना लेकिन आप ये देखेंगे लेडीज बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना हिम्मत के साथ जोश और जज्बे के साथ चलने के लिए तैयार हैं हम अपने क़ायदीन के साथ आप देखें पूरे कराची को किस तरीके से सजा सजा दिया गया है बैनर्स के जरिए पैना के जरिए पार्टी फ्लैग के जरिए डेली हम अपने कायदीन के साथ हम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं हमारे इजलास हो रहे हैं हमारी जर्नल बॉडी मीटिंग्स हो रही हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी सारी जो है चीजें चल रही है कि किस तरीके से हमने लेके चलना है और लोग खुशी से आके अपनी एंट्री करवा रहे हैं कि हम भी चलेंगे बहुत ज्यादा जोशो जज्बा लोगों में देखा जा रहा है आपको लगता है कि आवाम का जो है वो रद्दअमल आप लोगों के साथ इसलिए है कि वो मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और महंगाई बेरोजगारी और बदमनी की वजह से जो है वो बेजारी का इजहार कर रहे हैं लोग और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का जो इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च है ये कामयाब हो जाएगा आप इसी इतने ही पुरुद हैं आपको क्या लगता है कि आगे मुस्तबिल में जाकर इमरान खान बेहतरी की तरफ आ सकते हैं और आप ही को आपको यही ऑप्शन क्यों लगता है कि वजीर आजम के घर जाने से ही जो है वो मसले हल होंगे आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत अगर अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त कर ले तो पाकिस्तान दुरुस्त समत पर जा सकता है और आवाम को रिलीफ मिल सकता है पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है इनका कोई भी फैसला अपना नहीं है ये जबरदस्ती सर पे मुसलत किए गए और जो मुसलत किए करते हैं उनको सिर्फ पागल खाने ही भेजा जाता है जो जबरदस्ती अपनी जगह नहीं छोड़ते आप ये देखें कि उनकी कितनी सारी की कि सारी सी पॉलिसी गलत है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे एक आम इंसान को फायदा हुआ आप बताएं पेट्रोल उन्होंने बढ़ा दिया आटा उन्होंने महंगा कर दिया चीनी उन्होंने महंगी कर दी अद्वियात उन्होंने महंगी कर दी बच्चों के दूध पे टैक्स उन्होंने लगा दिए कौन सी ऐसी मतलब आ, मतलब बुनियादी जरूरतों की चीज है कि जिन पे उन्होंने टैक्स नहीं लगाए जिनको उन्होंने महंगा नहीं किया बल्कि सितम शरीफी तो यह है कि वो जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज और महंगी हो जाती है आ, सिर्फ पीपल पार्टी नहीं बाकी बाईस करोड़ अवाम सब तंग है सब अपने हकूक के लिए निकलना चाह रहे हैं इस, इस लॉन्ग मार्च में हमारा साथ दे रहे हैं हमारी किसी से हम तो निकले ही निकले हमारे साथ बहुत सारे लोग अपनी विश से चल रहे हैं हमारे साथ लोग जो है वो थक गए हैं महंगाई से लोग खुदकुशी कर रहे हैं अच्छा आप एक जानब तो वफात पर चढ़ाई कर रहे हैं उनकी नाकिस किस पॉलिसियों की वजह से अवामी मसाइल अवामी इशूज की वजह से अगर हम सिंध ही की बात कर लें तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चौदह साल से हकूमत है और अगर एक ही चीज़ को हम देख लें मैं अगर आपको सिंध में जाकर बताऊं तो अब से कुछ दिन पहले नौकोट में एक वाक पेश आया जिसमें दो बच्चियों के साथ जो है वो इजतमाही ज्यादा की गई उसके अलावा नवाबशाह के अंदर शहीद मोहतरमा बे नज़ीर भुटो यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर को जो है वो हरासमेंट का जो है वो केस सामने आया तो आप किस तरह से देखती हैं आप क्या मुतालबा करती हैं अपनी लीडरशिप से अपनी क़्यादत से अपने वजीर अला सिंध से जो आपके खुद पीपल्स पार्टी के हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इस तरह के जो वाक़त हो गए इनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाए और आइंदा इस तरह के वाकत ना इसके लिए भी कोशिशें की जाए बिल्कुल बिल्कुल हम मुताबा करते हैं और हम अपनी आवाम के साथ हैं। ये बात नहीं है कि हम अपनी आवाम के साथ नहीं है लेकिन लोग जिस तरह से फोरी हल चाहते हैं उस तरह से नहीं होता चीजें हो रही होती हैं। लेकिन ये वही बात है कि बहुत सारी चीजों के अंदर निगेटिविटी को ज्यादा लाया जाता है और पॉजिटिव चीजों को पीछे रखा जाता है ये बात नहीं है हर तरीके से काम चल, चल रहा है और हम चीज को आगे लेके जा रहे आपको लगता है की सिद्ध के अंदर जो है वो आने वाला जो दूर है आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है बल्दियाती इंतख्या में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी कितनी है कारकरी की बुनियाद पर के के शहरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे बिल्कुल कराची के शहरी पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे बल्दियाती निजाम पर आप देख लें जो बिल पास हुआ उस पर किस तरह से हालांकि मशावरत के बाद वो बिल आया था लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि बहुत सारे लोग धरना लगाकर बैठे बहुत सारे लोगों ने ऐहत किया लेकिन ये चीजें इस तरह नहीं होती आप आपको जब मशवरे का टाइम दिया गया था आप, आपके पास खुद नासिर शाह खुद जाकर मिले थे जमात इस्लामी मतलब साथ नहीं थी उस तरह से एम क्यू एम ने इस तरीके से किया लेकिन देखें बिल सबकी मशावरत से आया था मंजूर हुआ और इनशाला हम बलद्याती अपने उसमें जो कर सकते हैं हम करेंगे और आवाम के साथ हैं मेरा आपसे आखिरी सवाल है वो सवाल मेरा आपसे आप ये है कि आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खातन को मौसर नुमाइंदगी दी जाती है प्लेटफॉर्म फराम किया जाता है आप पुरुद है लाजमी सी बात है एक वर्कर है जब अपने मसाइल के हल के लिए घर से निकलता है तो आप कितने मुतमिन है कि आने वाले वक्तों में आने वाले दिनों में हमारे मसाइल हल होंगे आपके हमारे शहर के मुश्तर मसाइल है कोई अलग मसाइल तो है नहीं बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको ये बात करूंगी कि हर पार्टी में खुवान की अपनी अहमियत है ठीक है लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी में खातन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इतनी मैंने किसी पार्टी में नहीं देखी आपने पीटीआई की खातन के साथ बदतमीजियों के किस्से खूब अपनी आंखों से देखे और सुने मीडिया पे हाईलाइट हुए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर एहतजाज में जाते हैं हर चीज में जाते हैं हमारे जियाले भाई हम लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं उसके बाद हम लेडीज गुजर कर जाती हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह पीपल पार्टी में खातन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है बहुत इज्जत की जाती है और उनके काम भी किए जाते हैं और वो मर्दों के शाना बशाना बहुत अच्छे तरीके से जोश व जज्बे के साथ काम कर रही है और बहुत पढ़ी लिखी स्टूडेंट्स भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं और जॉब से रिलेटेड खुवान् भी हैं लेकिन वो पूरा पार्टी को अपना टाइम देती हैं और आप यकीन करें लेडीज के लिए लॉन्ग मार्च के लिए निकलना आप यकीन करें मुश्किल है बनस्बत मर्द हसरात के लेकिन आप जियालियों का जोश खरोश देखें कि वो जो है चलने के लिए तैयार हैं और बहुत ज्यादा पुरजोश हैं पुरुद हैं और इनशाला ती हम इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे जी हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर कारकुन शहनीला खानजादा आपने इनकी बातें सुनी और इनका ये यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम करेगा इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ न सिर्फ जियाले बल्कि जियालिया भी जो है वो भरपूर तादाद में जो है वो शरीक होकर इस्लामाबाद पहुंचेंगी और अपने कायद के साथ जो है वो शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर जो है वो आगे बढ़ेंगी हालांकि इनका कहना था कि खातिन को बहुत सारी मुश्किल और परेशानियों का सामना होता है मगर वो अपनी दीगर माओ बहनों और पूरे पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो पुरअम है इनका यह कहना है कि मौजूदा हकूमत से जायन छुड़ाए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो हो सकते और आवाम को रिलीफ नहीं फराम किया जा सकता आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके लिए हमें जरूर अपनी राय से आगा कीजिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला हम सबका का हो नासिर हो